आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर में बीती रात बदमाशों ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार चार नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसे, जहां पर दो कर्मचारी बैठे हुए थे। बदमाशों ने हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए वहां रखी 5 से 10 हजार रुपए की नकदी लूटकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। लूट की यह वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी कई घंटे बीतने के बाद उस समय हुई जब पेट्रोल पंप के मालिक ने थाने में तहरीर दी, और तहरीर देने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए लूट का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसमें लूट की सारी वारदात कैद हो गई थी। जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले दो नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लिए कैबिन में घुस जाते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के दो कर्मचारियों को मारपीट कर हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए वहां रखी नकदी लूट लेते हैं। तभी दोनों बदमाशों के दो अन्य साथी कैबिन में घुसते हैं, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश करने में जुटी है, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद इन चारों बदमाशों के फोटो सोशल मीडिया और अन्य तरीके से भी बदमाशों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। ये थाना नई मंडी क्षेत्र में भोपा रोड पर एक पेट्रोल पंप है, जिसमें कल रात में दो बाइकों पर सवार होकर बदमाशों द्वारा कैश की छिनैती की गई है, जिनका फुटेज है। पुलिस फुटेज खंगाल रही है, सर्विलांस टीम लगी हुई है, स्वाट टीम लगी हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। नहीं बता पाए, मेरे ख्याल से कैश तो सारा जमा कर चुके थे, वो स्वीप से हो रहा है, लेकिन कुछ पैसे थे उनके पास, 5-7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, वो भी कल हिसाब नहीं दे पाए थे, ज्यादा कैश नहीं था उनके पास।